Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जैसे ही इंसान का जन्म होता है तय हो जाती है उसकी एक्सपायरी डेट. जी हाँ, एक्सपायरी डेट सेट हो जाती है. हमें ज्ञान नहीं होता कि क्या है एक्सपायरी डेट, लेकिन ये पता होता है कि हम सभी की एक तय मियाद है. बिल्कुल यही हाल है डेरिवेटिव्स का भी. फिर चाहे फ्यूचर्स हों या ऑप्शंस, सबकी एक तय एक्सपायरी डेट होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट का टाइम होता है. आखिरकार डेरिवेटिव्स एक प्रकार का करार होता है जो कि दो व्यक्तियों के बीच में होता है, और इसीलिए एक तय मियाद उसकी होती है. जैसे ही मियाद पूरी हुई, ऑप्शन या फ्यूचर समाप्त हो जाता है. अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी उस ऑप्शन की आप ट्रेड करें, तो आप उसको रोल ओवर कर सकते हैं. रोल ओवर, यह शब्द आपने शर्तिया कई बार इसका जिक्र सुना होगा, कई बार खुद से भी रोल ओवर किया होगा. लेकिन रोल ओवर करने का भी एक सही तरीका समय होता है. रोल ओवर करते समय भी कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, और अगर आपको इसकी ठीक मालूमात नहीं है तो आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है. तो सारे काम छोड़ दीजिए और आज के रोलओवर के वीडियो को अंत तक देखिएगा. जो बातें मैं बता रहा हूं उनका संज्ञान लेते हुए नोट्स जरूर बनाइएगा. चाहें तो इस वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके बेहद काम आने वाला है. तो कैसे किया जाता है रोलओवर, क्या है रोलओवर के पेज, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं. नमस्कार, जय श्री राम. तो अगर आप भी डेरिवेटिव के कारोबारी हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस में काम करते हैं, तो एक समस्या अक्सर आपको आती होगी हर एक्सपायरी पर, और वो ये है कि क्या अपनी पोजीशन को अगली सीरीज में रोल ओवर किया जाए या नहीं. तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ये रोल ओवर असल में क्या होता है, किसको कहा जाता है रोल ओवर. तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव्स की एक मियाद होती है. हर डेरिवेटिव एक सीरीज से जुड़ा होता है. जैसे अगर आपने जून के फ्यूचर्स खरीदे हैं तो वो जून के अंत में एक्सपायर हो जाएंगे. जुलाई के खरीदे हैं तो वो जुलाई के अंत में एक्सपायर होंगे. अगर जून के अंत में आपको ये लगता है कि ये जो पोजीशन आपके पास है, मान लें आपने निफ्टी फ्यूचर बाय किया हुआ है जिसकी एक्सपायरी जून में होने वाली है, और आपको ये लगता है कि जुलाई में भी निफ्टी तेज रहेगा, या अगर जून में नहीं तेज हो सका तो जुलाई में तो निश्चित होगा, और आप चाहते हैं कि जुलाई में भी ये तेजी की पोजीशन आप होल्ड करें, तो बड़ी आसानी से इस पोजीशन को आप अगली सीरीज में पलट सकते हैं, और इसी को कहा जाता है रोल ओवर. यानी एक्सपायरी से पहले ही अगर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जाएं, जून की पोजीशन को, और जुलाई की पोजीशन यानी कि जुलाई का जो फ्यूचर है उसको बाय कर लें, तो इसको रोल ओवर कहा जाता है. रोल ओवर न केवल लॉन्ग की पोजीशंस को, बल्कि अगर किसी शेयर में आपने शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है तो उसको भी अगली सीरीज में आप रोल ओवर कर सकते हैं. अब देखिए, रोल ओवर करने की एक कॉस्ट आती है. रोल ओवर फ्री में नहीं होता है. दो मूल कॉस्ट हैं. एक तो देखिए, रोल ओवर करते समय आप पाएंगे कि अगली सीरीज का फ्यूचर हमेशा थोड़ा सा महंगा मिल रहा होता है. इसको एक मिसाल से समझते हैं. मान लीजिए आप देखते हैं कि निफ्टी की कीमत, निफ्टी की स्पॉट प्राइस 18,750 है, तो आप देखेंगे कि उसका फ्यूचर 18,835, 18,850 इस तरह के लेवल्स पर चल रहा होगा. यानी कि 50, 100, 150 अंक ऊपर फ्यूचर्स उपलब्ध होगा. ये जो 50, 100, 150 रुपया अतिरिक्त आपसे लिया जा रहा है आपको फ्यूचर देने के लिए, इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैरी. जी हाँ, देखिए, आप जब फ्यूचर खरीदते हैं तो पूरा पैसा थोड़ा ही देते हैं, आप तो केवल मार्जिन जमा करा रहे हैं, और जो भी चीज किश्तों पर ली जाए वो महंगी ही पड़ती है. तो अगर आप फ्यूचर खरीद रहे हैं और उसके लिए केवल मार्जिन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी, और इसीलिए आप देखते हैं कि फ्यूचर्स हमेशा कैश मार्केट के मुकाबले ज्यादा भाव पर चलते हैं, सिवाय कुछ परिस्थितियों के. जैसे मिसाल के तौर पर कंपनी ने कोई डिविडेंड घोषित कर दिया हो,
तब जरूर फ्यूचर कीमत से नीचे चल रहा होता है, लेकिन आमतौर पर पॉजिटिव कॉस्ट ऑफ कैरी होती है, यानी फ्यूचर का भाव स्पॉट के भाव से ऊपर होता है। इसी तरह जब आप रोल ओवर करते हैं किसी डेरिवेटिव पोजीशन को करंट सीरीज से अगली सीरीज में, तो क्योंकि आपको अतिरिक्त समय मिल रहा है, क्योंकि एक महीने का अलग समय मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो ब्याज है, उसका जो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट है, वो भी आपसे वसूला जाएगा। बाजार में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप ढूंढ रहे हैं फ्री लंच, तो आप यहां निराश हो जाएंगे। अगर आप अपनी फ्यूचर की पोजीशन को अगले महीने में तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको अगले महीने का फ्यूचर आमतौर पर थोड़ा सा महंगा ही खरीदना पड़ता है। तो देखिए, जब आप खरीदते हैं अगले महीने का फ्यूचर, तो थोड़ा महंगा मिलता है, थोड़ी अतिरिक्त कॉस्ट भुगतनी पड़ती है, और इसी को रोल ओवर कॉस्ट कहा जाता है। इसके अलावा एक कॉस्ट और है, और वो है ब्रोकरेज, एसटीटी, सरकारी खर्चे, जो आपको देने ही होते हैं। जब आप इस करंट सीरीज की अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, तो सारी ब्रोकरेज भुगतनी पड़ेगी, और फिर जब अगली सीरीज में पोजीशन बनाएंगे, तो उसकी भी ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शनल कॉस्ट तो इसमें है ही, इनको जोड़कर कहा जाता है रोल ओवर कॉस्ट। तो देखिए, अगर आप अपनी पोजीशन को अगले महीने ले जाते हैं, तो आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। यहां देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जब आप रोल ओवर करें तो कोई कीमत ही चुकानी पड़े आपको। कई बार नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी भी देखने को मिलती है। मान लीजिए जो फ्यूचर आपने खरीदा है, उसमें कोई बड़ा डिविडेंड आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि डिविडेंड केवल शेयर धारकों को मिलता है आमतौर पर, जब तक कि वो स्पेशल डिविडेंड ना हो। फ्यूचर के ट्रेडर्स को, फ्यूचर के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको डिविडेंड नहीं मिलता है, तो इस वजह से फ्यूचर सस्ते हो जाते हैं। तो इस कारण कई बार नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी भी होती है, यानी कि रोल ओवर आपके हक में जाता है, पैसे मिलते हैं रोल ओवर करने पर, बजाय इसके कि पैसे चुकाने पड़े। लेकिन देखिए, पैसे मिलें या चुकाने पड़े, कुछ भी कॉस्ट भुगतनी पड़े रोल ओवर की, उससे बड़ी कीमत तब भुगतनी पड़ती है जब आप बिना सोचे समझे रोल ओवर करते हैं। जी हाँ, देखिए, असली खेल ये है कि रोल ओवर करना भी है या नहीं, रोल ओवर किस तरह से किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं पाता हूं कि जब पोजीशन आपके विपरीत जा रही होती है, आप नुकसान में होते हैं और नुकसान भुगतने में आपको कष्ट हो रहा होता है, तो आमतौर पर हम चाहते हैं कि इस पोजीशन को अगले महीने रोल ओवर कर दें, जिससे शायद ईश्वर कृपा पर हो जाए और हमारा दाम आ जाए, हम निकल पाएं। यानी डिस्ट्रेस में ट्रेडर्स रोल ओवर करते हैं, इस चीज से बचना चाहिए। मेरा अनुभव यह कहता है कि अगर आपकी पोजीशन आपके विपरीत जा रही है, आप नुकसान में हैं, स्टॉप लॉस के स्तर से बहुत नीचे अब आपका भाव आ चुका है, फिर भी आपने नहीं काटा, और अब आप उसको अगले महीने रोल ओवर करने का सोच रहे हैं, तो ये सरासर सबसे बड़ी गलती है, और ये गलती हम में से सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में की होती है। तो आज इस वीडियो को देख लेने के बाद एक संकल्प कीजिए कि अगर आपकी कोई डेरिवेटिव पोजीशन फंस गई है, आपके विपरीत जा रही है, नुकसान दे रही है, उसका पहले ही स्टॉप लॉस लेना चाहिए था, लेकिन आपने किसी वजह से नहीं लिया, तो कम से कम अब उसे रोल ओवर करके दूसरी गलती आप नहीं करेंगे। तो रोल ओवर तभी करें जब पोजीशन आपके हक में हो, आपके फेवर में हो, उसमें प्रॉफिट आने की पूरी पूरी संभावना हो और आप ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हों। तो रोल ओवर तभी करें जब उसके लिए आपके पास एक ठोस वजह उपलब्ध हो। एक चीज और यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है, और वो है रोल ओवर परसेंटेजेस। जी हां, एक बहुत बड़ा इंसाइट आपको बाजार के बारे में मिलता है जब आप अलग अलग शेयर के रोल ओवर परसेंटेजेस देखते हैं। देखिए, डेरिवेटिव में बड़ी पोजीशन रिटेल इन्वेस्टर नहीं, बल्कि बड़ी संस्थाएं, बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनाते हैं। और अगर हम पाते हैं कि शेयर भी लगातार ऊपर जाता रहा है, इस सीरीज में पोजीशंस रोल ओवर हो चुकी हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जो तेजड़िए हैं, उन्हें लगता है कि तेजी अगले महीने भी कायम रहेगी, और वो दो दिन पहले ही अपनी पोजीशंस को अगले सीरीज में रोल ओवर कर रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई शेयर लगातार पूरे महीने गिरता आया हो और उसमें रोल ओवर परसेंटेजेस हाई हों, यानी 70%, 75% पोजीशंस इस महीने से अगले महीने दो तीन दिन पहले ही रोल ओवर हो जाएं, तो समझ लीजिए कि जो मंदड़िए हैं वो आश्वस्त हैं कि अगले महीने भी बंटाधार होगा इस शेयर का,
और इसी वजह से पहले ही अपनी पोजीशन को अगले महीने में शिफ्ट कर चुके हैं। तो रोल ओवर परसेंटेजेस देखकर कई बार बड़ी चीजें पता लगती हैं, लेकिन कई बार हो जाता है धोखा। कई बार मैं देखता हूं कि उन शेयर्स में जहां पोजीशंस बहुत छोटी हल्की पोजीशंस बनी हुई हैं, देखिए डेरिवेटिव में कोई 200 शेयर्स हैं जिसमें 40-50 शेयर्स ऐसे हैं जिनमें कोई खास बड़ा कारोबार होता नहीं है, छोटा ओपन इंटरेस्ट रहता है। तो अगर ऐसे किसी शेयर में आप देखते हैं कि बड़ा रोल ओवर हुआ है, बड़ा रोल ओवर परसेंटेज है, तो ये मत मान लीजिएगा कि अब ये शेयर बड़ी तेजी से ऊपर या नीचे जाने वाला है, क्योंकि देखिए बेस छोटा है इसलिए मिसलीडिंग नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। ये वो प्रैक्टिकल नॉलेज है रियल लाइफ ट्रेडिंग का जो किसी किताब अखबार में आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ें बरतने से ही आती हैं और यही मकसद है इस चैनल का कि रियल नॉलेज ट्रेडिंग का आप तक पहुँचे जो कि एक्शनेबल हो, यूजफुल हो। तो मतलब की बात यह है कि कुछ अनयूजुअल रोल ओवर परसेंटेज अगर देखने को मिले, एक्सपायरी से 3-4 दिन पहले से रोल ओवर परसेंटेजेस ट्रैक करना शुरू करें। और अगर आप देखते हैं कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ असाधारण गतिविधि देखने को मिल रही है, कोई ऐसा शेयर जिसमें बड़ी मजबूती थी उसमें रोल ओवर परसेंटेजेस हाई हैं, तो मान करके चलिए कि अगली सीरीज में भी कम से कम पहले सप्ताह में अच्छा मोमेंटम उस स्टॉक में बना रहेगा। और अगर इस बात को आपने बड़े ध्यान से देखना शुरू कर दिया तो शानदार ट्रेडिंग के मौके इसके जरिए आप पहचान पाएंगे। तो देखिए रोल ओवर कब करना है, क्यों करना है या नहीं करना है, ये एक बड़ा निर्णय होता है और इस निर्णय को आपको बड़े ठंडे मन से करना होता है। ये मत सोचिए, कतई मत सोचिए कि नुकसान भुगतने से अच्छा है रोल ओवर कर लेते हैं, शायद अगला महीना हमारे लिए पिछले महीने से बेहतर हो, ये कभी ना कीजिएगा। तभी रोल ओवर कीजिए जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो। प्रॉफिटेबल पोजीशन को रोल ओवर करें, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नुकसान की पोजीशन को रोल ओवर करते समय दो बार सोचिए और इस वीडियो को याद जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, रोल ओवर परसेंटेजेस को जरूर ध्यान से देखिएगा। मैं देखता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स आमतौर पर इसको ज्यादा संजीदगी से नहीं देखते हैं। रोल ओवर परसेंटेजेस एक्सपायरी के करीब जरूर ट्रैक करना शुरू कीजिए। हर एक्सपायरी में एक ना एक शानदार ट्रेड आपको मिलेगा और आप देखेंगे कि ये पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपको लगा कैसा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या रोल ओवर परसेंटेजेस आप अपनी ट्रेडिंग में देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो तुरंत इस वीडियो के बाद उसकी शुरुआत कीजिए, अपने अनुभव मेरे साथ बांटिए। कहीं पर कोई विशेष गतिविधि आपको नज़र आए तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा और उसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह अपने नॉलेज को धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।